हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनको। तो आज देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर बताना है, तो ये फिर से मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ रीअरेंज इनको करना पड़ेगा। तो पहले ये जो कोट 12 डिग्री हमें दे रखा है, इसके साथ में हम ले आएंगे कोट 78 डिग्री जो है इसको। तो ये कोट 38 जो है इसके साथ लाएंगे कोट 52 डिग्री का, और बाकी जो कोट 60 है वो ऐसे ही रह जाएगा, कोट 60 डिग्री। तो हमें इसके बराबर प्रूव करना, तो देखते हैं अब इसमें। तो ये जो कोट 12 है ये रहेगा ऐसे ही, कोट 12 डिग्री इंटू जो कोट 78 है। तो देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं कोट 90 माइनस 12 डिग्री, क्योंकि 90 में से 12 माइनस होगा तो 78 आता है। अब ऐसे नहीं करना है कि आप इसकी जगह 100 में से भी मैं कितना माइनस करूँगी जितना 78 आ जाए, ऐसे नहीं, सिर्फ 90 में से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए 90 में से कितना माइनस करूँगी 78 आए, तो 12, तो ऐसा लिख सकता हूँ इसको। वैसे यहाँ पे भी ये कोट 38 वाला ऐसे ही रहेगा, और इसको लिख सकता हूँ मैं कोट 90 माइनस 38। तो कोट 90 माइनस 38 जो होता है 52 के बराबर। तो इस तरह से आ गया। बाकी कोट 60 जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा कोट 60 का 60 ऐसे ही, क्योंकि इसकी जगह ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल जो है हमारा, उसमें से हम वैल्यू लिख सकते हैं कोट 60 की, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा जो होता है, कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है 10 थीटा के बराबर। तो यहाँ पे भी ये तो कोट 12 डिग्री तो ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी ये बचा तो कोट 90 माइनस हो गया 10 थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना है 12 डिग्री का। और वैसे यहाँ पे भी कोट 38 इंटू कोट 90 माइनस थीटा हो गया 10 38 के बराबर, और इंटू कोट 60 डिग्री के बराबर। कोट मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 1, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके आया 1। वैसे यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई करके आया गया 1। तो ये डॉट लिख दो, चाहे मल्टीप्लाई का निशान लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही है। और वैसे यहाँ पे भी जो कोट 60 है, कोट 60 होता है 1/√3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आएगा 1/√3, जो कि हमारा हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो बस इतना सही है इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या एक दो बार वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं भी उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस चैप्टर के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, तो प्लेलिस्ट आपको आई कार्ड में मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये चैप्टर और बाकी चैप्टर्स के लिए भी लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।